क्लास। गुड आफ्टरनून सर। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि बारिश होती है तो पानी कहाँ कहाँ पे इकट्ठा होता है, ठीक। इसमें से मानवी ने बताया था कि पानी कहाँ पे इकट्ठा होता है, गड्ढे में, ठीक। और फिर वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नाव चलाते हैं। और फिर वो पानी जब हम दोपहर में देखते हैं तो वो गायब हो जाता है, मतलब वहाँ पे नहीं रहता है। यस सर। वो पानी क्या होता है कि आपने पढ़ा होगा कि सन से हमें लाइट मिलती है या लाइट पृथ्वी तक आती है, तो वो क्या होता है कि जब सन की लाइट पानी पे पड़ती है तो जल क्या होता है, वाष्पित होता है। वाष्पित का मतलब है कि आपने देखा होगा कि आप यहाँ पे एक गिलास पानी अगर गिर जाए तो वो क्या होता है, थोड़ी देर बाद गायब हो जाता है, फिर यहाँ नहीं रहता, ठीक। ऐसा भी नहीं होता कि वो नीचे चला जाता है और नीचे से जो है टपकते हुए नीचे गिरता है फिर पृथ्वी में जाता है, तो वो जल क्या होता है, वो वाष्पित हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारा जल हमारे समुद्रों में, नदियों में इकट्ठा है और जब सनलाइट उस पर पड़ती है तो वो जल क्या होता है, वो जल वाष्पित होता है। अब जल वाष्पित होता है तो जल वाष्पित होकर जाता कहाँ है, जल वाष्पित होता है तो जल वाष्पित होकर ऊपर जाता है और जल संघनित होकर के एक रूप धारण करता है बादल का। जल जो है वो संघनित होकर के अपना रूप परिवर्तित करता है और अपना रूप किसमें परिवर्तित करता है, बादल, बादल में। अब जैसे आपने ऊपर देखा होगा कि बादल ऐसा नहीं होता है कि बादल कोई ठोस होता है, ठीक। जैसे एक एग्जांपल में आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, ऊपर एरोप्लेन जा रहा है, एरोप्लेन जाते जाते आप देखते हैं कि वो कहीं बादल के बीच में गायब हो गया। यस सर। ऐसा नहीं होता है कि वो बादल के बीच में गायब हो जाता है। ये जैसे होता है ना कि आपने ठंडियों में कोहरा देखा है बहुत सारा, ठीक, वैसे ही क्या होता है, बादल होता है। यहां से देखने पे हमें वो ऐसे रूप में दिखाई देता है बट वो केवल एक कोहरे जैसा एक आकार होता है बस। फिर यहां से बादल क्या होता है, बादल में जब जल वाष्पित होता है, वाष्पित होकर संघनित होता है। इसका एक एग्जांपल और है, जैसे आप लोग घर में देखते हैं कि जब मम्मी पानी गर्म करती हैं तो अगर उन्होंने पतीली या भगोना कुछ भी चढ़ा रखा है गैस पे, तो जब आप ढक्कन को उठाते हैं तो जैसे ही ढक्कन आप उठाते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि बहुत सारी जल की बूंदे ऊपर आके चिपक जाती है और जैसे आप ढक्कन उठाते हैं वो पानी के नीचे गिरता है। वैसे ही जब जल संघनित वाष्पित होता है, वाष्पित होकर संघनित होता है तो वो कुछ बूंदों के रूप में इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि हमारे जो हमारा जो वायुमंडल है उसमें बहुत सारे धूल के कण हैं और उन्हीं धूल के कणों में ये जो जल वाष्पित होता है वो जाकर के चिपक जाता है और वो एक गोलाकार रूप ले लेता है। और उसके बाद ये बादल क्या करते हैं, ये बादल करते हैं बारिश, और ये बारिश फिर वही जल जो है जो वाष्पित हुआ था वही जल के घूम करके फिर से हमारी पृथ्वी पर वापस आ जाता है। ये जो प्रक्रिया है पूरी, एक जल का वाष्पित होना, वाष्पित होकर के संघनित होना, संघनित होकर के फिर से बारिश के जरिए, या कभी कभी आपने देखा होगा जैसे कुछ बर्फ के टुकड़े बारिश रूप में ऊपर से गिरते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बर्फ, बर्फ के लिए, या हिम वर्षा हुई है, इसी को कहते हैं हिम वर्षा या फिर एक बारिश, वो बारिश के रूप में हमें फिर से वापस आके मिलता है। तो इस प्रक्रिया को अगर हम कहें कि जल जिस क्रम में महासागरों या सागरों से वाष्पित होकर वायुमंडल में पहुंचता है और बादल के जरिए फिर से बारिश होकर के फिर से पृथ्वी पर वापस आ जाता है, इस पूरी प्रक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं, जल चक्र के नाम से जानते हैं।